और कैसे हो आप सारे, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं विक्की सिंह, एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन, और आज की वीडियो में हम एक रिव्यू करने जा रहे हैं। और रिव्यू के अंदर जो आज का प्रोडक्ट है वो है अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रोस्टार 100% वे प्रोटीन। ओके, बड़ा फेमस है काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये ब्रांड है, और हो सकता है आपने यूज़ किया हो या आप यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तभी आप इस रिव्यू को देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो एक किलो लगभग 1800 रुपये से लेकर 1900 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है इंडियन मार्केट में, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लेते हो। और अगर आप एक 4.4 LBS की बात करें, मतलब 2 किलो के डब्बे की बात करें, तो वो अराउंड आपको 2700 रुपये से लेके 2800 रुपये के बीच में मिल जाता है, 2700 to 2800। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा सा वेरिएशन आपको प्राइस में मिल सकता है। कुछ साइट्स बहुत महंगा भी बेचती हैं तो उनसे लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो ये वे प्रोटीन, 100% वे प्रोटीन इसको बताया गया है, लेकिन एक्चुअली जब इसके इंग्रेडिएंट हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट विद वे प्रोटीन आइसोलेट और साथ में थोड़ा सा सोया प्रोटीन भी इसके अंदर ऐड है। आप जाकर नेट पे चेक कर लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कंटेंट मिल्क प्रोटीन एंड सोया। ठीक, अब आप सोया के फ़ैन हैं या नहीं, आप सोया लेते हैं या सोया नहीं लेते, उस पर डिपेंड करता है कि आप अल्टीमेट न्यूट्रिशन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। सेकंड थिंग, क्या ये वर्थी है? इसकी एक सर्विंग 30 ग्राम की है और उसके अंदर ये दावा करते हैं कि आपको 25 ग्राम प्रोटीन ये प्रोवाइड करते हैं। फैट इसके अंदर बस 1 ग्राम है तो वो नेगोशिएबल आप मान सकते हैं, 1 ग्राम फैट बहुत कम होता है। और शुगर कंटेंट इसके अंदर बहुत ना के बराबर है। टेस्ट वाइज ये अच्छा है, मसल ब्लेस से थोड़ा सा नीचे है, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से ऑन की जब बात करें, मैंने दोनों को स्टैंडर्ड इसलिए रखा है क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। चॉकलेट फ्लेवर इसके अंदर, फ्लेवर्स में बहुत सारे हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी, कोका एंड कैफे मोचा एंड चॉकलेट, जो कि सबसे फेमस वो है, सबसे ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। तो मिक्सिबिलिटी की बात करें तो बहुत अच्छा मिक्स होता है ये, और ज़्यादा शेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, इसके क्लॉट्स नहीं बनते शेकर के अंदर। नेक्स्ट, और टेस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया दिया मसल ब्लेस से थोड़ा सा नीचे है, और ऑन से तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन ज़्यादा बेटर टेस्ट करता है मसल ब्लेस से। मसल ब्लेस ज़्यादा स्वीट है, ऑन ज़्यादा स्वीट नहीं है पर अच्छा टेस्ट करता है, ये दोनों के बीच में है। ठीक है, जिनको बहुत मीठा पसंद है उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, मसल ब्लेस वालों के लिए नहीं है। और जिनको बहुत ज़्यादा हल्का मीठा पसंद है ये उनके लिए भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा कम, मिड में बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, टेस्ट वाइज ठीक है, 10 में से 6 नंबर दे सकते हैं हम इसको। रिजल्ट वाइज तो यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग अल्टीमेट न्यूट्रिशन को यूज़ करके दिखाते हैं कि इसके रिज़ल्ट आते हैं और अच्छा प्रोटीन है। मैंने इसके बारे में कोई काफ़ी रिसर्च की, गूगल पे सर्च किया, गूगल पे ही सर्च किया जा सकता है, और अपने मैंने आज तक किसी क्लाइंट को ये नहीं दिया है, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछता है इसको लेने को तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर उसको सोया प्रोटीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। कई लोगों को सोया से प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या कई लोगों को ब्लोटिंग फील होती है सोया प्रोटीन से, तो इसलिए वो 100% वे प्रोटीन की तरफ ही जाना चाहते हैं। इसके अंदर ओनली और ओनली उनको वे प्रोटीन ही मिले, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हो चाहे वो आइसोलेट फॉर्म में हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि सोया या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट प्रोटीन वगैरह उसके अंदर मिले। तो हाँ, इसके अंदर सोया प्रोटीन है, कितनी मात्रा में है ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, और उसको पता लगाने का कोई और तरीका है भी नहीं। ठीक है, तो बस इस रिव्यू के अंदर इतना ही, और हो सकता है ये रिव्यू आपको हेल्पफुल रहा हो, और कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई और प्रोडक्ट रिव्यू कराना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, बिल्कुल फ्री है, एंड जस्ट राइट इट डाउन जो भी आपकी क्वेरी है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचूँ, आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, आपने इतना कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर ट्रू ओपिनियन अबाउट द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए और आपको लगा कि हाँ वीडियो कुछ वर्थी है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब कीजिए, हेल्पफुल होता है और थोड़ा सा आप मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं वीडियो को। तो दैट्स इट, थैंक यू, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय।